देख रहे हैं की न्यूज HD में हूँ हारिस अलीशा गिलानी। चलते हैं आज की कुछ अहम खबरों की जानिब। कोरोना की तीसरी लहर की वार तेज, गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 103 अमवात, मजीद 3953 मरीज रिपोर्ट। पिशावर ICU में जगह न मिलने पर 8 कोरोना मरीज जान की बाजी हार गए। पंजाब के 13 अजला में पहली से 8वीं क्लासें ईद उल फितर तक बंद रहेंगी, मुराद रास। रूसी वजीर खारजा की 9 साल बाद पाकिस्तान आमद, वो वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ से भी मुलाकात करेंगे, शाह महमूद कुरैशी। वजीर आजम इमरान खान ने कल अहम इजलास तलब कर लिया। पंजाब का हफ्ते में 2 दिन बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करने का फैसला, नोटिफिकेशन जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने शुगर मिल से चीनी 80 रुपए में उठाने से रोक दिया, सेक्टरी इंडस्ट्री कैन कमिश्नर और FBR के नुमाइंदे कल तलब। अवामी नेशनल पार्टी का PDM से राहें जुदा करने का फैसला, अमीर हैदर होती। लाड़काना में JUI के रहनुमा अब्दुल कादिर सयाल और बेटे पर फायरिंग, गोलियां लगने से दोनों जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। बांग्लादेश में कोरोना पर पाबंदियों के खिलाफ मुजाहरा करने वालों पर पुलिस की फायरिंग। कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को सऊदी अरब में यकम रमजान से मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में इबादत के लिए मशरूत इजाजत दी जाएगी। खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान ने सऊदी वजारत इंसाफ में 258 जजों के तकर्री और तरक्की के हवाले से शाही फरमान जारी कर दिया। अमेरिका का ईरानी जोहरी मुहदे पर होने वाले इजलास में शिरकत का ऐलान। सदर रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर तरीन जज NV रामन को मुल्क का नया चीफ जस्टिस CJI मुकर्रर किया है। दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू नाफिज। वादी कश्मीर में 384 और जम्मू कश्मीर में 177 केस नए रिपोर्ट, कोरोना वायरस से 2 अमवात। और महकमा जेल खाना जात ने पंजाब में 10 दिन के लिए कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।